अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद ज़ुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी लॉग्स। मौजूदा दौर में बहुत अजीब सा लगता है कि किसी शहर को दरवाज़ों में क़ैद कर दिया जाए, लेकिन ये ज़रूरत जो है वो 19वीं सदी तक जो है वो ज़रूर रही, और 20वीं सदी का भी कुछ हिस्सा आप कह सकते हैं कि निसफ हिस्सा 20वीं सदी तक, यानी 1950 तक कह लें या 1947 तक कह लें, ये बात समझ में आती थी कि जो है वो शहर को दरवाज़ों में क़ैद कर दिया जाए। लाहौर शहर जो है, मैं पहले भी बहुत दफ़ा अपने ब्लॉग में बता चुका हूँ कि ये 13 दरवाज़ों में क़ैद है। ये दरवाज़े जो है वो बिलावजा नहीं बनाए गए थे। एक तो इसके गिर्द जो है वो फसील थी और उसके कुछ हिस्से भी बाकी हैं। 30 फुट ऊँची फसील और 13 दरवाज़े। ये 13 दरवाज़े जो है वो यूँ कह लें कि एक तरह से जो है वो शहर की हिफाजत भी करते थे, शहर में आने जाने वालों पर जो है वो नज़र भी रहती थी, कोई अहम ऐलान अगर होना होता था तो वो भी इन दरवाज़ों की मार्फत होता था। यहाँ लोगों को इकट्ठा करके ढोल पीट कर या मनादी करके जो है वो लोगों को बताया जाता था कि क्या होने वाला है, कोई हुक्म हो, कोई टैक्स का ऐलान हो, मतलब इस तरह की चीज़ें जो है वो दरवाज़ों के हवाले से जो है वो काम आती थी। इसी तरह अगर किसी को जो है वो सज़ा देनी होती थी या जो है वो यूँ कह लें कि जो है वो किसी को इबरत का निशान बनाना होता था तो आमतौर पर उसकी लाशें या उनके सर काट कर जो है वो दरवाज़ों पर लटका दिए जाते थे, और ये बाकायदा शाम को बंद कर दिए जाते थे और सुबह जो है वो फजर के वक्त या सुबह तड़के जो है वो इन्हें खोल दिया जाता था। जो लोग कामकाज के लिए बाहर जाते थे वो जाहिर सी बात है सारा दिन कामकाज करने के बाद शाम को वापस आते थे। एक मखसूस वक्त होता था दरवाज़े खुलने और बंद होने का। अगर कोई शख्स बाद में आता था तो वो उसे अपनी शनाख्त करवानी होती थी शहर में दाखिल होने के लिए। लेकिन जो है वो ये जो दरवाज़ा जहाँ मैं इस वक्त खड़ा हूँ, ये लाहौर के 13 दरवाज़ों में से 7 दरवाज़े जो है वो 1947 के फसादात की नज़र हो गए थे। जो है वो बलवाइयों ने या फसादियों ने या हंगामा करने वालों ने उन्हें आग लगा दी। कुछ जो है वो मतलब गिर गए, कुछ के पट बर्बाद हो गए, और कुछ जो है वो चूँकि ये 16वीं सदी में बने थे, अकबर आज़म ने इन 13 दरवाज़ों को बनवाया था, कुछ खुद ब खुद मुनहदम हो गए। 6 दरवाज़े बाकी बचे हैं, जिनमें से एक दरवाज़े के सामने मैं इस वक्त खड़ा हूँ, इसका नाम है दिल्ली गेट। ये जो है वो दिल्ली गेट, ये दिल्ली गेट की जो है वो असल इमारत नहीं है, ये वो दिल्ली गेट नहीं है जो मुग़लों ने बनवाया था, बल्कि ये वो दिल्ली गेट है जो अंग्रेज़ों ने बनवाया था। और कहा यह जाता है कि अंग्रेज़ों ने जब 1849 में पंजाब पर कब्ज़ा किया तो जो है वो सारे के सारे दरवाज़े जो है वो इन्होंने गिरा दिए थे। फसील का भी हिस्सा जो है वो मुनज़म कर दिया था, और बकौल उनके कि फसील की और जो है वो दरवाज़ों की कोई ज़रूरत नहीं थी, लिहाजा जो है वो ये दिल्ली दरवाज़ा भी गिरा दिया गया था। लेकिन जो है वो उसके बाद उन्होंने खुद ही 1857 की जंग आज़ादी के बाद कुछ दरवाज़े जो है वो नए सिरे से तामीर किए, जिनमें जो है वो ये दिल्ली दरवाज़ा जो है ये सबसे बड़ा दरवाज़ा है। जो लाहौर के बाकी बच जाने वाले दरवाज़े हैं उनमें ये सबसे बड़ा दरवाज़ा है। और ये अब मैं आपको ये भी बता दूं कि जो है वो भाटी गेट और लोहारी गेट से ज़्यादा तारीखी मकामात जो है वो इस दरवाज़े के अंदर हैं। इस दरवाज़े को ताकत की अलामत कहा जाता था। उसकी वजह ये है कि इसका रुख जो है वो शहर के जो है वो मशरक़ की तरफ है, और इसका नाम जो है वो दिल्ली दरवाज़ा इसलिए रखा गया कि ये दिल्ली की तरफ जो है वो खुलता है, यानी इसका रुख जो है वो दिल्ली की तरफ था, जो उस ज़माने में यानी जो मुग़लों के इख्तदार का जो आखिरी दौर था, या आगरे के बाद जो है वो दारुलकूमत लाहौर बना और दिल्ली, ये 3 दारुलकूमत रहे, चौथा भी रहा फतेहपुर सीकरी जो है वो अकबर आज़म ने कुछ अरसे के लिए फतेहपुर सीकरी को भी अपना दारुलकूमत बनाया था। तो ये दिल्ली गेट जो है ये खुलता था दिल्ली की तरफ, इसलिए इसका नाम दिल्ली दरवाज़ा रखा गया। और ताकत का मरकज़ इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब शहनशाह मुग़ल बादशाह जब दिल्ली से लाहौर आया करते थे तो वो यही रास्ता जो है वो इस्तेमाल करते थे। ज़रा तसव्वुर करें 16वीं-17वीं सदी का, कि बादशाह सलामत जो है वो बड़े सजे सजाए हाथी पर सवार हैं और उनके आगे पीछे चौबदार और पहरेदार और जो है वो घुड़सवार और एक लंबा जुलूस जो है वो उनके साथ होता था, पूरी सिपा उनके साथ होती थी, और वो इस दरवाज़े से जो है वो गुज़र कर जो है वो अंदर जाया करते थे। इसलिए जो है वो इस दरवाज़े को आम तौर पर जो है वो दिल्ली दरवाज़े को ताकत की अलामत जो है वो कहा जाता है। बाकी खसूसियात इसकी हैं, अपनी जगह हैं, लेकिन ये कि जो है वो इस दरवाज़े को मुग़लों की जाहो जलाल की निशानी, मुग़लों की ताकत की निशानी, और मुग़लों के जो जो है वो अजमत थी
ये उसकी यादगार के तौर पर जो है वो दिल्ली दरवाजे को देखा जाता है। और जो है वो आइए आपको दिल्ली दरवाजे का विजिट करवाते हैं। मैंने कहा ना कि जितनी चीज़ें इसके अंदर जो है ना वो देखने वाली हैं शायद जो है वो किसी और दरवाजे के अंदर नहीं। जो रास्ता जो है वो जाता है इसको शाही गुजरगाह कहा जाता है, और वो इसीलिए शाही गुजरगाह कहा जाता है कि जो है वो मुग़ल बादशाह अपने जुलूस के साथ जो है वो इस रास्ते से गुजर कर और जो है वो शाही किले जाया करते थे। उस ज़माने में अकबरी दरवाज़ा जो है वो शाही किले का मरकज़ी दरवाज़ा हुआ करता था, वो भी जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने जो है वो अपने अहद में तामीर करवाया था, और जो है वो उसका अपना एक जलाल था। आज तो वो वीरान पड़ा है, और उसकी जगह जो है फिर जो है वो औरंगज़ेब आलमगीर ने हजूरी बाग की तरफ यानी बादशाही मस्जिद के बिल्कुल सामने आलमगिरी दरवाज़ा जो है वो तामीर करवाया था। लेकिन उससे पहले यही रास्ता था, और इसके आगे जाकर जो है वो अकबरी गेट जो है वो शाही किले में जाने का मरकज़ी रास्ता हुआ करता था, और मुग़ल बादशाह जो है वो इसी रास्ते को इस्तेमाल करते थे। आइए आपको बताते हैं कि इस दरवाज़े का स्ट्रक्चर कैसा है, इस दरवाज़े के अंदर हैं क्या क्या चीज़ें। ये एक बोर्ड लगा हुआ है वॉल सिटी वालों ने कि प्लेसेस टू सी, मतलब एक तो शाही हमाम है इस शाही गुजरगाह पर, दूसरा जो है वो गली सबील वाली है, गली सुरजन सिंह है, और चौक मस्जिद वज़ीर ख़ान और क्राफ्ट बाज़ार जो है वो इसके अंदर वाक़ हैं। ये तीन चार चीज़ें हैं। ये जो है वो वही छोटी ईंट जो है उसका इस्तेमाल हुआ हुआ है, और ये दो मंजिला दरवाज़ा है, इसके ऊपर भी जो है वो 10-12 कमरे हैं, और जो है ना वो इसके नीचे भी जो है ना वो अच्छा खासा जो है वो जगह है। इसको जो है वो वॉल सिटी वालों ने मतलब आप यूँ कह लें कि एवेल्यूएट किया है, या जो है ना वो मतलब नए सिरे से इसको जो है वो तरतीब दिया है। ये जनाब दिल्ली दरवाजे की थोड़ी सी हिस्ट्री जो है वो लिखी हुई है, आपको बता देते हैं, सुनाते हैं कि दिल्ली दरवाज़ा शहर के मशरक़ जानिब वाक़ है। 1884 और 98 के दौरान जब अकबर ने लाहौर को अपना दारुल्खिलाफ़ा बनाया तो मशरक़ की तरफ शहर को वसअत देते हुए एक नई दीवार और शहर के दरवाज़े अस्सर नौ तामीर किए गए। अकबर के अहद में तामीर करदा 12 दरवाज़ों में से एक है। मुग़ल बादशाह अपने उमरा के साथ अक्सर इसी रास्ते से शाही किले जाते हैं। इस नस्बत से दिल्ली दरवाजे से शाही किले तक के रास्ते को शाही गुजरगाह कहा गया है। महाराजा रणजीत सिंह मेला चिरागा में शिरकत के लिए इस दरवाजे से गुजरता तो इस रास्ते को बसंती पारचा जात से सजाया जाता। अंग्रेज़ दौर में अहद अकबरी में तामीर करदा दरवाजे नहायत बोसीदा और ज़मीन दोज हो चुका था, यहाँ तक कि हाथी का मारी गुजरना महाल था। लिहाजा अंग्रेज़ी दौर में इस दरवाजे की इमारत गिराकर 1820 की दिहाई में असर नौ तामीर किया गया। इस दरवाजे की तामीर मोहम्मद सुल्तान ठेकेदार ने की, जिसकी हवेली भी इस दरवाजे के अंदर चौक वज़ीर ख़ान से मुलक सरे बाज़ार वाक़ है। दिल्ली दरवाजे, अच्छा ये सुल्तान ठेकेदार वो है जिन्हें लाहौर रेलवे स्टेशन भी तामीर करवाया था, ये भी मैं बताता चलूँ आपको। दिल्ली दरवाजे की दो मंजिला इमारत पुरानी छोटी ईंट से तामीर की गई। जदीद तामीर के बाद नीचे के दो तरफा मकानात में पुलिस अहलकार रहते थे, जबकि ऊपर की मंजिल में एक तरफ मकान नशिस्तों कचहरी साहिबान आनररी मजिस्ट्रेट और दूसरी तरफ म्यूनसिपल कमेटी के मेम्बरान के इजलास होते थे। अब इस दरवाजे के भलाई हिस्से में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल है। इस दरवाजे के अंदर वाकई मस्जिद वज़ीर ख़ान, शाही हमाम और सुनहरी मस्जिद अपनी मुनफरद हैसियत की वजह से अपनी मिसाल आप हैं। अंग्रेज़ दौर में तामीर होने वाला रेलवे स्टेशन दिल्ली दरवाजे के बाहर बनाया गया है। इस तरफ अमृतसर, जालंधर और दिल्ली जैसे शहर हैं। नीचे जो है वॉल सिटी के हवाले से लिखा हुआ है कि जो है ना वो वॉल सिटी ने जो है वो क्या काम किया है। ये लॉरी शशके, रंगीले रिक्शे, ये अगर आप जो है वो दौरा करना चाहें रिक्शे पर बैठकर तो दिल्ली गेट से मस्जिद वज़ीर ख़ान 1 घंटा 1000 रुपये, शाही किले तक 2 घंटे 2000 रुपये, रिक्शा बुकिंग पूरा दिन 5000 रुपये, और फूड स्ट्रीट तक भाटी गेट बरासता हीरा मंडी चौक 1 घंटा 1500 रुपये। तो बुकिंग के लिए नंबर लाहौर शहर की शान देखो, रंगीले रिक्शों से मेरी जान देखो। अच्छा ये जो है वो पुराने ज़माने में जो है वो कोत वाले शहर का शाही फरमान, ये सुबह 10 बजे दिल्ली गेट, दोपहर 1 बजे दीनानाथ का कुआं, और दोपहर 3 बजे अहाता वज़ीर ख़ान। यहाँ जो अहलकार हैं उनको भी पुराने दौर की जो है वो वर्दियाँ पहनाई गई हैं, वो नेकरें जो है वो पहने हुए हैं। ये मेरे ख्याल सामने जो है वो क्राफ्ट घर है, और इधर ना ज़रा चलें क्राफ्ट घर में देखें क्या चीज़ें हैं। अच्छा ये ज़रा इसका जो है वो ऊपर का स्ट्रक्चर दिखा दें ताकि जो है ना वो लोगों को पता चले कि दिल्ली दरवाज़ा जो है वो क्या जो है वो अहमियत का हामिल है। ये शॉप टाइमिंग जो है वो जी 9 बजे से शाम 6 बजे तक है। ये क्राफ्ट जो है वो है अपना क्राफ्ट घर,
WCLA वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी। अब ये देखना ये कि चूँकि अंदर खवातीन बैठी हुई हैं तो उनसे पूछ लेते हैं कि हम इसको शूट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये आप ये दिखाएं सारा कुछ। ये जी क्राफ्ट घर है और यहाँ जो है वो हाथ से बनी हुई चीज़ें जो है वो रखी हुई हैं। ये जो है वो है। बड़ी जो है वो अच्छी चीज़ें हैं जी, हाथ से बनी हुई सारी चीज़ें हमने पाकिस्तान टी शर्ट से लेकर और जो है वो मेंटल पीस तक जो है वो रखे हुए हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि जो है वो दिल्ली दरवाजे के अंदर तारीख की जो है वो बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। सबसे पहले ये सबील वाली गली, अब जो है वो ये सबील वाली गली के आइए ज़रा थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये एक सबील लगी हुई है और जो है वो इसको भी जो है वो वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर ने रेनोवेट किया है सबील वाली गली के नाम से। और कहते हैं जी कि ये बहुत पुराने दौर की सबील है और पुराने वक्तों से जो है वो ये सबील चली आ रही है। ये कोई मज़ार है लेकिन हम नहीं जानते कि ये किन का मज़ार है और ना कोई हमारे साथ मौजूद है कि जो ये बता सके कि ये किन का मज़ार है। ये बिफ़ोर रेस्टोरेशन जो है इसको वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर वालों ने जो है वो रिस्टोर किया है। रेस्टोरेशन से पहले जो है वो इसकी ये हालत थी इस गली की और अब इस गली की जो है वो ये ज़रा थोड़ा सा चौक दिखा दें। अब जो है वो ये हालत है इसकी, मतलब ये कि वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी वालों ने अच्छा खासा काम किया है और इसे इस काबिल बनाया है कि लोग जो है वो आकर इसको देख सकें। ये दिल्ली दरवाज़ा का अकबी हिस्सा है और इसके जो है वो बिल्कुल सामने वज़ीर ख़ान का हमाम है, शाही हमाम जिसे कहा जाता है। हम इसका व्लॉग आप कर चुके हैं शाही हमाम का, लेकिन आपको बाहर से सरसरी तौर पर दिखा देते हैं क्योंकि बहरहाल ये दिल्ली दरवाजे का असासा हैं। हमारे तंजीम साहब जो है वो थोड़ा सा कहीं कहीं डंडी मार जाते हैं, या मैं ऐसे डरना नहीं कहूँगा डंडी मारना कहूँगा, डंडी मार जाते हैं। अच्छा ये ज़रा अंदरूनी ढांचा इसका दिखाइएगा अंदर की तरफ से। ये ऊपर जो है वो मैंने बताया जैसे 10-12 कमरे हैं और गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल जो है वो ऊपर है और इसका जो इफ्तिताह ये तख्ती लगी हुई है। उस वक्त ये कौन से सन में जो है वो इसका वो किया गया था जी, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल 1990 में मेरा ख्याल जो है वो किया गया था, 1990 में जो है वो इसको गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल जो है वो बनाया गया था। ये जगह जो है वो बड़ी दिगरगूँ हालत में थी और ये कहते हैं जी कि ये कई की फुट जो है वो मिट्टी में धंसी हुई थी। ये जगह जगह जो है वो तस्वीरें लगाई हुई हैं, दिस साइड बिफोर रेस्टोरेशन, ये जगह जहाँ हम खड़े हैं जब इसको रिस्टोर करने से पहले जो है वो इसकी सूरत हाल ये थी। ये आ रहा है इसको नज़र आ रहा है इसका, ये है ये शाही हमाम की दीवार है जी। और जो है वो मैंने आपको जैसे पहले बताया कि हम शाही हमाम का आपको ब्लॉग जो है वो दिखा चुके हैं। ये जगह ये सूरत हाल थी इसकी और अब जो है वो ये जो है वो इसकी सूरत हाल है। ये क्राफ्ट बाज़ार है, यहाँ हर तरह की चीज़ें हाथ की बनी हुई है। तनीम साहब ज़रा ये दिखाते चले जाएं, लोगों को अगर कोई शौक़ हो किसी को चीज़ को लाने का तो वो ले आए। ये क्या चीज़ है? चिड़िया है सर। अच्छा चिड़िया हैं, ये कौन सी नस्ल की चिड़िया हैं? ये पीले चिड़िया।
पीली चिड़ी है, तो ये कहाँ पाई जाती है? पीलक चिड़ी। पीलन? पीलक, पीलक। अच्छा पीलक, पीलक चिड़ी है जी ये। और ये कहाँ होती है? ये पिंडी के इलाके में होती है। लो जी, हमारा अपना इलाका और हमें नहीं पता कि ये पीलक चिड़िया जो है ये वहाँ पाई जाती है। तो ये लोग इसको लेके आज़ाद करते हैं, तो आप खुद ही आज़ाद कर दें इसको। हैं, वो कहते हैं जी हम मार्केट से ख़रीद कर लाते हैं। तो नहीं साहब, आपको चाहिए कि आप चिड़ियाँ आज़ाद कर दें, ताकि अल्लाह ताला जो है वो मेरी और आपकी दोनों की मुश्किल का खात्मा कर दें इन चिड़ियों की आज़ादी के सदक़े में। ये जी शाही गुजरगा, जहाँ कभी जो है वो इस वक्त मैं और तंजीम साहब, मैं अपने आप को जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर और तंजीम साहब जो है वो नूर जहाँ की वजह से अपने आप को जो है वो नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर समझ रहे होंगे यकीनन, क्योंकि हम इसी शाही गुजरगा से गुज़र रहे हैं। ये जी शाही हमाम, जो मैंने आपको पहले बताया कि इसका ब्लॉग हम आपको करके दिखा चुके हैं, उसका लिंक मैं शेयर कर दूँगा इसी इसके डिस्क्रिप्शन में, ताकि जिन लोगों ने जो है वो नहीं देखा वो इसको देख सकें। सरकार इसके बस हमने सिर्फ जो है वो गेट तक जाना है और फिर वापस आ जाना है, अंदर नहीं जाना हमने, क्योंकि हम इसका व्लॉग कर चुके हैं। ये जी जो है वो मेरा ख्याल है किसी ज़माने में यही मरकजी दरवाज़ा जो है वो अब भी है। ये साइड का गेट है, ये गेट ज़रा दिखा दें, इसी गेट से हम भी अंदर गए थे। ये वाला गेट दिखाना सरकार, वो जहाँ वो मूछों वाला भाई खड़ा है। हाँ ठीक हो गया, ये सर एक जो है वो एक हो गया जी। तो नींद आज लगता है अक्के पे ने, असल में डेटिंग पॉइंट पर नहीं आया ना, मसला ये है सारा। अच्छा ये जो है वो मार्केट ज़रा दिखाइएगा। ये जी मसालों की मार्केट है, और ये अकबरी दरवाज़े तक जो है वो इस तरफ मेरे जो है वो अकबरी दरवाज़ा है मेरे उल्टे हाथ को, और ये जो मार्केट है मसालों की ये अकबरी दरवाज़े तक चली जाती है। और यहाँ ऐसे ऐसे मसाले मिलते हैं, मिर्च मसाले मिलते हैं, कि जो कहा यह जाता है कि शायद हमने जो है वो देखे भी ना हो कि जो है वो किस तरह के जो है वो मसाले जो है वो हैं। ये एशिया की जो है वो सबसे बड़ी जो है वो मंडी कहलाती है, ये जो अकबरी मंडी है, ये अकबरी मंडी से जाकर मिल जाता है आगे, इसे एशिया की सबसे कदीम और सबसे बड़ी मंडी कहा जाता है मसाला जात की। और ये भी मैं तारीखी हकीकत आपको बताऊं कि यही वो जगह थी जहां से ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है वो हिंदुस्तान पर कब्ज़ा जमाने का आगाज़ किया था। अकबर के दौर में जो है वो उन्होंने तिजारत शुरू की थी इसी जो है वो मसाला मार्केट से, यहीं से वो मसाला जात ख़रीद कर जो है वो यूरोप भेजा करते थे, और इन्हीं मसाला जात की वजह से हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा गया। उन्होंने बड़ी कोशिश की कि यहाँ जो है वो उनका कोई मुस्तकिल ठिकाना बन जाए, लेकिन अकबर आज़म के जो चालाक मुशीर थे उन्होंने उसे जो है वो रिजेक्ट कर दिया, इजाज़त नहीं दी, और अकबर को ये बताया कि इनके मकासद कुछ और हैं। लेकिन फिर आने वाले वर्षों में अकबर के बाद जहांगीर आया, जहांगीर के बाद शाहजहां और फिर औरंगज़ेब आलमगीर, ये तीन बादशाह जो है वो ऐसे थे अकबर के बाद के जो तीन बादशाह, कि अंग्रेज़ों ने जो है वो ऐसा ऐसा अपना तसल्लुत जमाया और फिर वो पूरे हिंदुस्तान के मालिक बन बैठे। तो यूँ कह लें कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान पर अपने कब्ज़े का आगाज़ इस मसाला मार्केट से किया था, और उसके बाद वो पूरे हिंदुस्तान के मालिक बन गए। सर ये वही शाही गुजरगा जिसका मैंने तस्करा किया कि मुग़ल शहनशाह जो है वो इस रास्ते से गुज़र कर जो है वो जाया करते थे शाही किले, और उसके सामने जो है वो अकबरी दरवाज़ा हुआ करता था, और उस अकबरी दरवाज़े से वो दाखिल होते थे शाही किले में। और ये सिलसिला जो है वो तीसरे शहनशाह अकबर, चौथे जहांगीर, पांचवें शाहजहां और छठे औरंगज़ेब आलमगीर तक जो है वो जारी रहा। औरंगज़ेब आलमगीर ने जो है वो किले के जो है ना वो दूसरी तरफ यानी बादशाही मस्जिद के बिल्कुल सामने आलमगीर दरवाज़ा बनाया, और फिर जो है वो आमद रफ्त का सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ। और अब तो खैर आलमगीरी दरवाज़ा भी बंद किया जा चुका है, अंग्रेज़ों ने उसको बंद कर दिया था, अब आम दाखिला किले में जो है वो आलमगीरी दरवाज़े के रास्ते नहीं होता, बल्कि उसकी साइड पर जो है वो एक और दरवाज़ा बनवाया गया है, और उस दरवाज़े से जो है वो आमोदरफ्त है। ये सारी जो है वो मार्केट है, अब मार्केट में कन्वर्ट हो चुकी है। ये ऊपर की इमारतें जो है वो आप देखें, पुरानी इमारतें। कहते हैं कि जब बादशाह का जुलूस गुजरा करता था तो ये जो आपको ऊपर जो है झरोका नज़र आ रहा है,
इन्हीं झरोकों में जो है वो लोग खड़े होकर बादशाह के जुलूस का नज़ारा किया करते थे। ये पुराने दौर की इमारत लकड़ी की बनी हुई ऊपरी हिस्सा, और अब तो खैर ये जी ये झरोके और जो है वो ये खिड़कियाँ पुराने दौर की, ये सामने जो है ना वो एक और इमारत हमें नज़र आ रही है। बाजार नीचे का भी बहुत अच्छा है और ऊपर का नज़ारा भी बहुत शानदार है। ये जनाब देखिए, ये वही झरोके हैं, वही ताक हैं, वही जो है वो छोटे छोटे जो है ना वो दरवाजे खिड़कियां हैं जहाँ खड़े होकर जो है वो बादशाह का जुलूस जो है वो देखा जाता था। और नीचे जो है वो बाज़ार है, कहते हैं जी सस्ता बाज़ार है ये, हमने ख़रीदारी तो नहीं की लेकिन कहा जाता है कि ये सस्ता बाज़ार है। यहाँ जो चीज़ें हैं वो आम बाज़ारों के नस्बत जो है कदरे सस्ती हैं। ओल्ड लाहौर के बड़े बाज़ारों में से है। अच्छा वैसे लाहौर की जितनी बड़ी मार्केट्स हैं वो पुराने लाहौर में ही हैं। वो अकबरी मंडी हो गई, शाह आलम मार्केट हो गई, आज़म क्लाथ मार्केट हो गई। ये जो है वो अकबरी मंडी जो है वो ग़ज़ाई अजनास की सबसे बड़ी मंडी है। ये मुख्तलिफ जो है वो किचन की चीज़ें, और बारिश ने जो है वो जगह जगह अपने आसार छोड़े हुए हैं। ये जो पानी है ये बारिश का पानी है। आज सुबह भी जो है वो लाहौर के कुछ हिस्सों में बारिश हुई है और कुछ हिस्सों में जो है वो बारिश नहीं हुई। तो ये जनाब, अच्छा ये जो दरवाज़ा सामने जो नज़र आ रहा है ये मैं, अब तंजीम साहब की बारी है कि जो है वो तंजीम साहब जो है वो, ये जो सामने मीनार नज़र आ रहे हैं ये मस्जिद वज़ीर ख़ान के मीनार हैं। और अच्छा जी, हम ये जो है वो एक दरवाज़े के सामने जो है ना वो आए हैं इसी बाज़ार में चलते हुए। ये तो खैर अब जो है वो खाली एक ईंटों का जो है वो हल्का सा जो है वो रह गया है। तो नहीं जब इस दरवाज़े को ज़रा दिखाइएगा, ये जो है ना वो इसका पूरा ढांचा, ये कहलाता है जी चिट्टा गेट, चिट्टा दरवाज़ा कह लें, चिट्टा गेट कह लें। और जो है वो असल जो दिल्ली गेट था वो ये हुआ करता था। जिस गेट की, ये चिट्टा गेट की जो है वो थोड़ी सी हिस्ट्री भी लिखी हुई है, वो भी आपको सुनाते हैं। तदनीम साहब असल में मसरूफ़ हो गए हैं कोई फ़ोन सुनने में, कोई बहुत ही कोई इम्पॉर्टेंट फ़ोन है। असल दिल्ली दरवाज़ा जो है वो यही हुआ करता था। और ये चिट्टा गेट जो है वो इसलिए कहते थे कि इस पर जो है वो सफ़ेद चूना जो है वो कर दिया गया था। ये जी चिट्टा गेट जो है वो मैंने आपको बताया कि असल दिल्ली दरवाज़ा ये था। जो है वो उस दरवाज़े से बनने से पहले जो हमने आपको बाहर दिखाया, चिट्टा गेट दिल्ली दरवाज़े से रंग महल चौक की जानब जाते हुए मस्जिद वज़ीर ख़ान का अहाता शुरू होने से कबल सरेराह मौजूद है। इस दरवाज़े की तामीर 1634-1635 में की गई। इस दरवाज़े से मस्जिद वज़ीर ख़ान की हदूद का आगाज़ होता है और चौक वज़ीर ख़ान का मशरक़ी दरवाज़ा है। अंग्रेज़ी दौर में इस दरवाज़े पर सफ़ेद चूना कर दिया गया, इसी वजह से ये दरवाज़ा चिट्टा दरवाज़ा कहलाता है। चिट्टा दरवाज़ा की मुरम्मत और बहाली की जानब कभी तवज्जो नहीं दी गई, जिसके बायस इसकी हालत काफ़ी खस्ता है। इस दरवाज़े से दाखिल हो तो चौक वज़ीर ख़ान का खुला मैदान है, जिसमें हज़रत सैयद सूफ़ का मज़ार और दीनानाथ का कुआँ तारीखी इमारत है। किसी ज़माने में चौक की चारों जानब दरवाज़े थे, जिनमें से सिर्फ मशरक़ी और मगरबी दरवाज़े बाकी हैं। वाल सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी के अंदरून शहर की मरम्मत और बहाली प्रोग्राम के तहत इस दरवाज़े की मरम्मत और बहाली का काम अंजाम दिया गया है, जिसके तहत इस दरवाज़े की इमारत को छोटी ईंट और चूने के काम से मजबूत बना दिया गया है। इसी तरह बाकी तारीखी इमारत भी इंतजार ज़माना से नेस्त व नाबूद हो चुकी हैं। बिजली के कुमकुमों वाले दीदा देव खम्भे लगा दिए हैं और चौक की तारीखी शक्ल बहाल कर दी गई है। आइए सर, ये ज़रा ऊपर का दिखाएं जी। ये असल दिल्ली दरवाज़ा यही था, और चूँकि जो है वो अंग्रेज़ों ने इस पर जो है वो सफ़ेद चूना फेर दिया था, इसलिए इसे चिट्टा दरवाज़ा जो है वो चिट्टा गेट के नाम से याद किया जाता है। और यहाँ से जो है मस्जिद वज़ीर ख़ान के अहाता शुरू होता है। मस्जिद वज़ीर ख़ान का ब्लॉग भी हम कर चुके हैं, उसका लिंक भी जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा, और वो भी जो है वो आप देख सकते हैं। ये जनाब जो है वो मस्जिद वज़ीर ख़ान का अहाता, और ये सामने मस्जिद वज़ीर ख़ान का जो है वो मज़ार। ये हज़रत सैयद सखी सूफ़ सरकार सोहरवर्दी, सूफ़ सरकार सोहरवर्दी मज़ार का रास्ता किधर से है। ये मज़ार का रास्ता किधर से है, मज़ार का रास्ता किधर से,
ये जी मज़ार, आइए आपको जो है वो मज़ार में अगर जहाँ तक हम जा सके हम आपको दिखाते हैं। सैयद सूफ सरकार, सखी सूफ सरकार, ये सूफ है सैफ है। अच्छा जी, ये लिखा हुआ है कि दरबारे अली हजरत सैयद फैज बख्श सखी सूफ सरकार। आए जी जरा अंदर, आपने तो पता। अच्छा ये खुल जाएंगे जूते। ये जी मज़ार अकदस है सैयद सूफी सैयद सूफ सरकार का। ये उनके जो है वो हालात ज़िंदगी ज़रा ये दिखा दें। ज़रा करीब करके दिखा दें। और ये जो मकबरा है इसका जो है वो ये ईरान से जो है वो तशरीफ़ लाए थे। और ये दो बुज़ुर्ग थे, दोनों खलीज फारस के जो है वो गाजरूनी का ख़ानदान, मीरा बादशाह सोहरवर्दी गाजरूनी। अच्छा, इसहाक़ गाजरूनी का मकबरा जो है वो मस्जिद वज़ीर ख़ान के अंदर है। और मेरा ख्याल है कि ये उन्हीं की तरफ इशारा है कि आप जो है वो दोनों मुल्तान से तशरीफ़ ईरान से तशरीफ़ लाए थे। ये सैयद सूफ सरकार का मकबरा, और इसके हवाले से जो है वो आपको एक और तारीखी बात भी बताते हैं। अस्सलामु अलैकुम सैयद सूफ सरकार, चलें जी आएँ। अब आपको जो है वो एक और तारीखी चीज़ बताते हैं। सैयद सूफ साहब जो है वो और दीनानाथ, उनका कुआं जो है वो हमने तलाश करना है। निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। अच्छा जी, सरकार को इसका बहुत तो नहीं है, कोई पैसे तो नहीं है इसके, हम जाएं? नहीं, अगर हैं तो बता दें। अच्छा चलें, मेहरबानी। अच्छा, हमें तलाश है जी दीनानाथ के कुएं की। दिल्ली दरवाजे की जो है वो शाही गुजरगाह तो लंबी है। हम जो है वो हाँ जी, ये रादीला नास्क कुआं। अच्छा जी, ये मस्जिद वज़ीर ख़ान, मस्जिद वज़ीर ख़ान का ब्लॉग जो है वो हम कर चुके हैं। सिर्फ आपको जो है वो इसका बैरूनी हिस्सा दिखाते हैं, क्योंकि ये दहली दरवाजे से जब इंटर होते हैं तो जो तारीखी इमारात हैं उनमें जो है वो इसका शुमार होता है अपना मस्जिद वज़ीर ख़ान का। सैयद मोहम्मद इसहाक़ गाजरूनी, ये जनाब इनका जो है वो मज़ार अक्दस जो है वो मस्जिद वज़ीर ख़ान के सहन में है, और वो भी जो है वो हम आपको दिखा चुके हैं। मैंने जैसे कि पहले कहा कि इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, ताकि जिन लोगों ने नहीं देखा मस्जिद वज़ीर ख़ान का जो है वो ब्लॉग, वो लोग जो है वो इस ब्लॉग को देख लें। और अब आपको जो है वो एक और बड़ी दिलचस्प चीज़ जो है वो दिखाते हैं, दीनानाथ का कुआँ। ये चिट्टा दरवाज़ा का जो है वो अंदरूनी मंजर, मतलब अंदरूनी मंजर तो आपको दिखाया था, ये चिट्टा दरवाज़ा का अंदरूनी मंजर है। और आइए अब आपको जो है वो एक और देरी दरवाजे की जो है वो यादगार चीज़ दिखाते हैं, जिसे कहा जाता है दीनानाथ का कुआं। मेरा ख्याल है कि वो चादरें वगैरह डालकर बंद कर दिया गया है।
ये मेरे पीछे है जी दीनानाथ का कुआं। मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर जाने को का रास्ता बाकी बचा होगा। उधर से है रास्ता, मेरा ख्याल है रास्ता ना सही तो कोई जगह मिल जाए हमें खड़े होने के लिए। हाँ जी, ये अच्छा जी, ये जो स्ट्रक्चर जो है वो आपको नज़र आ रहा है, ये एक कुआं है। ये दीवान दीनानाथ ने जो है वो खुदवाया था। अच्छा जी, तंजीम साहब ने जो है वो जिस हद तक जो है वो आपको दीनानाथ का कुआं जो है वो दिखा सकते थे वो उन्होंने दिखा दिया। इसकी जो है बड़ी दिलचस्प तारीख है। दीवान दीनानाथ जो है वो रंजीत सिंह के वज़ीर दाखला थे और वज़ीर ख़जाना सॉरी वज़ीर ख़जाना थे और बड़े बासर जो है वो रंजीत सिंह के जो दरबार था उसके बड़े बासर दरबारी थे। उनकी ख्वाहिश थी कि ये कुआँ जो है वो ये खोदा जाए। अच्छा, सैयद सूफ सरकार जो है वो उनका मज़ार बिल्कुल सामने है, जो उनके अकीदतमंद थे उन लोगों ने जो है वो दीवान दीनानाथ को मना किया कि आप जो है वो मस्जिद वज़ीर ख़ान के सामने और जो है वो सैयद सूफ के दरबार के सामने जो है कुआं ना खोदें। लेकिन दीवान दीनानाथ जो है वो अपनी ज़िद पर कायम रहे और अड़े रहे कि नहीं जी, मैंने जो है वो कुआँ खोदना है, और उन्होंने कुआँ खुदवाया। और कहते हैं कि ये जो कुआँ है ये ऐसा नहीं है कि कम गहराई है, ये 650 फीट के लगभग जो है वो गहरा है। लेकिन जो है वो कहते हैं कि अल्लाह के बंदों को जो है ख़ासतौर पर अल्लाह के जो वली हैं उनसे आप फसाद ना करें, उनसे आप जो है पंगा ना लें। तो दीवान दीनानाथ ने जो है वो अल्लाह के एक वली से जो है वो सींग फंसाने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। 650 फीट जो है वो इसकी खुदाई हुई, तकरीबन 200 मीटर से ज़्यादा खुदाई हुई, 200 और 250 मीटर के दरमियान, लेकिन पानी नहीं निकला। तो लिहाजा जो है वो दीवान दीनानाथ ने शर्मिंदा होकर ख़ुद तो काम नहीं बंद करवाया बल्कि मज़दूरों ने मज़ीद खोदने से इनकार कर दिया था। इसलिए कहते हैं कि ये जो औलिया कराम हैं, ये अल्लाह ताला की निशानियाँ हैं, इनकी कदर करनी चाहिए। आप जो है वो इनकी कब्रों पर जाकर बेशक कुछ ना मांगें, इसलिए कि वो कुछ दे भी नहीं सकते आपको, क्योंकि देने वाली ज़ात सिर्फ़ अल्लाह ताला की है। लेकिन जो औलिया अल्लाह हैं उनका मजाक ना उड़ाएं, उनके साथ जो है वो सींग ना फंसाएं अपने, उनसे ज़िद ना लगाएं, उनसे अड़ी ना करें, क्योंकि वली का मतलब है अल्लाह का दोस्त। और ये जितने औलिया कराम हैं ये अल्लाह ताला के दोस्त हैं, और इनकी जो मकाबिर हैं ये अल्लाह ताला के नेक बंदों की निशानियाँ हैं। लिहाजा जो है वो आज भी दीवान दीनानाथ जैसे लोगों की कोई कमी नहीं है जो औलिया कराम के मज़ारात पर जाने को जो है वो शिर्क तक जो है वो ले जाते हैं। हालांकि शिर्क जो है वो गुनाह है जिसे अल्लाह ताला कभी मुआफ़ नहीं करेगा, क्योंकि अल्लाह ने ये कहा है कि तुम जो कुछ करोगे उसकी सज़ा और जज़ा मेरे हाथ में है। लेकिन शिर्क वो चीज़ है कि अगर मेरे साथ किसी को शरीक करोगे तो उसकी मुआफ़ी जो है वो रोज़े क़यामत नहीं है। तो लोग जो है वो ये कहते हैं कि औलिया अल्लाह के मज़ार पर हाज़िरी देना शिर्क है, गलत है। आप वहाँ जाकर मन्नतें ना मांगें, आप वहाँ जाकर सजदे ना करें, आप सिर्फ इस नीयत से जाएं कि आप अल्लाह के किसी नेक बंदे के हजूर जो है वो हाज़िरी देने के लिए आए हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसमें कोई कबाहत नहीं है। दीवान दीनानाथ की मिसाल आपके सामने है कि 650 फीट जो है वो खुदाई की गई लेकिन इसमें से जो है वो पानी नहीं निकला, और दीवान दीनानाथ जो है ना उसने मना नहीं किया लेकिन मज़दूरों ने ख़ुद मज़ीद खुदाई से इनकार कर दिया, और बिलाखिर जो है वो दीनानाथ शर्मिंदा होकर जो है वो एक तरफ हो गए। उनकी हवेली भी यहीं कहीं सामने जो है वो है, लेकिन हमें नहीं पता कि वो हवेली कहाँ है। हमारा मकसद सिर्फ ये कुआं दिखाना था आपको कि दिल्ली दरवाजे में ये एक तारीखी जगह भी है। इसके साथ ही जो है वो हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह ताला अगले व्लॉग में जो है वो जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।